बजट सत्र स्पेशल, स्टील इंडस्ट्री को आने वाले दिनों में मिल सकती है बड़ी छूट। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इस बजट सत्र में इस्पात उत्पादों पर उल्टा शुल्क ढांचा यानी कच्चे माल पर अधिक दर से करादान तथा तैयार सामान पर कम दर से कर लगाए जाने के मसले पर समाधान कर सकती है। जी हां, विशेषज्ञों की माने तो सरकार स्टेनलेस स्टील से बने चादर समेत अन्य फ्लैट उत्पादों के विनिर्माण में लगने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क समाप्त करने पर विचार कर सकती है। फिलहाल स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों में उपयोग होने वाले प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल और एसएस स्क्रैप पर आयात शुल्क मुक्त व्यापार समझौते वाले देशों से आने वाले तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक है, जिससे घरेलू स्टेनलेस स्टील उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फेरोनिकेल और ऐसे स्क्रैप जैसे कच्चे माल भारत में भी पर्याप्त मात्रा और अच्छी गुणवत्ता में उपलब्ध नहीं है। इन कच्चे माल पर करीब 15% शुल्क लगता है। तेल और दाल की कीमतों में फिर आया उछाल, उपभोक्ता मंत्रालय की नई लिस्ट यहां देखें। 2021 शुरू होने के बाद सब्जियों के दाम में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई, जिस कारण एक बार फिर आम आदमी को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों के दाम बढ़ने के साथ साथ ही दालों के दाम में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। नए साल का दूसरा महीना शुरू होने से पहले ही तेल, चावल और चाय पत्ती की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस बारे में खुद उपभोक्ता मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर सामानों की नई लिस्ट जारी की है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक खुदरा बाजार में इस समय खाद्य उत्पादों के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण ट्रांसपोर्टर्स द्वारा भाड़ा बढ़ा दिया गया है। अंतिम बोझ ग्राहकों पर आया है। उपभोक्ता मंत्रालय की नई लिस्ट यहां देखें, किसके दाम बढ़े और किसके दामों में गिरावट आई है। आलू, टमाटर और चीनी के दाम में गिरावट आई है। तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें पाम तेल, सूरजमुखी तेल और सरसों का तेल आदि शामिल है। उपभोक्ता मंत्रालय की नई लिस्ट के मुताबिक 22 जनवरी से पाम तेल की कीमत 107 रुपए से बढ़कर 112 रुपए हो गई। वहीं सूरजमुखी तेल की कीमत 132 से 140 और सरसों के तेल की कीमत 140 से 148 रुपए प्रति लीटर हो गई। और वनस्पति तेल के दामों में भी कुछ उछाल आया है। तुअर की दाल के साथ साथ अरहर 103 रुपए से 105 रुपए किलो हो गई। उड़द की दाल की कीमत 107 से 109 रुपए प्रति किलो हो गई। मसूर की दाल का दाम 82 रुपए किलो हो गया और मूंग दाल 104 से 107 रुपए किलो पर आ गई है। कोरोना महामारी में लगने वाले लॉकडाउन के बाद अब बर्ड फ्लू ने तोड़ी चिकन व्यापार की कमर, 50% कम हुई बिक्री। कारोबार जगत पहले ही कोरोना महामारी से लगने वाले लॉकडाउन से परेशान था, अब बर्ड फ्लू ने चिकन और अंडा व्यापारियों को अलग से परेशान करके रखा हुआ है। अचानक से बर्ड फ्लू के फैलने से बाजार में चिकन और अंडे की मांग में भारी गिरावट आई है। 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से हर तरफ डर का माहौल है। इसकी वजह से लोग चिकन अंडा खाने में परहेज कर रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो चिकन और अंडा व्यापार में गिरावट दर कुछ हफ्तों में ही 50% दर्ज की गई है। घाटे में है चिकन और अंडा व्यापारी। इस समय बर्ड फ्लू का भयंकर भय बैठा हुआ है, इसलिए मांग में कमी आई है। अब मांग कम हो जाने के कारण दुकान पर माल भी सिर्फ 30% ही मंगाया जा रहा है। दुकानदारों की माने तो 250 रुपए किलो बिकने वाले चिकन में अब 100 रुपए में बेचने पड़ रहे हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।